हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज सुबह अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री ओपी विशोई के साथ राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मौसम में डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है, इस हेतु हॉस्पिटल में मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ्य के हालचाल जाने। इस दौरान गायनिक वार्ड में टॉयलेट में पानी की कमी एवं गंदगी सामने आई। चूंकि यह विषय बड़ा गंभीर इसलिए है कि जब हॉस्पिटल में इतना अच्छा कार्य हो रहा है, ऐसे में छोटी सी गंदगी हमारी छवि खराब कर रही है और इस लापरवाही को किसी भी हद तक सहन नहीं किया जाएगा। हॉस्पिटल में स्टाफ, सफाई एवं नियमित पेयजल सप्लाई सुचारू होनी ही चाहिए। कैसी भी व्यवस्था, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हॉस्पिटल में पेयजल सप्लाई होनी ही चाहिए। इस हेतु मौके पर ही अधीक्षण अभियंता, जलदाय विभाग एवं उनकी टीम को मौके पर बुलाकर सख्त निर्देश दिए कि हॉस्पिटल में पेयजल आपूर्ति नियमित हो, इस हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए। साथ ही केरन वेदांता द्वारा जो सफाई कर्मचारी रखे हुए हैं, वो भी अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल प्रशासन को इसके लिए आवश्यक सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।